हाय, आज हम जा रहे हैं कुल्लूज मोस्ट पॉपुलर समर ट्रैक डेस्टिनेशन जो है बिजली महादेव ट्रैक। उसका स्टार्टिंग पॉइंट कुल्लू बस स्टैंड से कुछ 17-18 किलोमीटर दूर है। वहां से स्टार्ट से 3 किलोमीटर की चढ़ाई है वन वे, यानी दोनों तरफ से 6 किलोमीटर का ट्रैक है ये। इसके ऊपर जब टॉप पे पहुंचते हैं तो वहाँ हाईएस्ट एल्टीट्यूड जो रीच होता है वो होता है 2460 मीटर, जो कि होता है 8000 फीट से भी ज्यादा। तो लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड एंड सी हाउ ब्यूटीफुल इज द मोस्ट पॉपुलर समर ट्रैक डेस्टिनेशन कुल्लू का। आओ। तो फाइनली हम पहुंच गए बिजली महादेव का स्टार्ट पॉइंट पे। यहाँ से ट्रैक ऊपर जाएगा, 3 किलोमीटर का ट्रैकिंग है। हमें आने में थोड़ा लेट हो गया, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा टाइम लगा, 12 बज गए पहुँचने में। नाउ लेट्स सी कितने बजे ऊपर पहुँचते हैं। लेट्स स्टार्ट द ट्रैक। आओ। क्या लगता है कब पहुँचेंगे? 3 घंटे फॉर 3 किलोमीटर वॉक। से स्टेप्स होंगे लास्ट तक? नहीं, बंजर जमीन आ जाएगी। ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी। ये रहा रास्ता और जा रहे हैं। स्टार्टिंग के रास्ते में हमें कई सारी खाने की शॉप्स मिली, इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, यहाँ डेवलप्ड काफ़ी है। और अभी ये स्टेप्स भी अच्छे से आ रहे हैं, लगता है काफ़ी देर तक ऐसे स्टेप्स वाला ट्रैकिंग रहेगा। हमने नाश्ता के लिए रुके नहीं, क्यों? क्योंकि हम अपना खुद का घर से नाश्ता लेके आए, मेड बाय सिमरन, मस्त खाना है। वो आगे जाके कहीं मस्त ऐसे व्यू आ रहा हो और बैठने की छांव हो, वहाँ खा के खाएंगे एंड विल रिवील क्या था खाने में। अभी चलते बनते करते हैं स्टार्ट ज़ीरो से, शुरू से रिस्टार्ट। लेट्स गो। शुरू से रिस्टार्ट वाला डायलॉग नो, मैंने रिसेंटली इस हफ्ते मूवी देखी 12th फेल। क्या आपने वो मूवी देखी है? इफ़ यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द डायलॉग। कितने सालों बाद ऐसा कोई मूवी आया बॉलीवुड का, तो देख कैसे लगा यार, मूवी है मस्त है। क्या स्ट्रगल दिखाई है उस बंदे की और क्या मोटिवेशन दिखाया है कि लाइफ में कई बार हमें ज़ीरो से फिर से शुरू करना पड़ता है, जैसे हम कर रहे हैं, रिस्टार्टिंग आवर लाइफ आफ्टर लिविंग 5 years ऑफ कॉरपोरेट लाइफ। करो ज़ीरो से रिस्टार्ट, अब अपना नया रिस्टार्ट कर रहे हैं। उस मूवी के मुझे कुछ डायलॉग्स भी बहुत अच्छे लगे, जैसे वो डायलॉग यू नो जिसमें वो बंदा कहता है कि पापा कहते हैं बाहर के अंधेरे से नहीं अंदर के अंधेरे से डरो, बस डायलॉग है। और पूरी मूवी पे ये मोटिवेशन तो ही कि कुछ भी हो जाए हार मत मानो और रिस्टार्ट करो। क्या ज़्यादा ज़्यादा होगा, ज़ीरो पे ही आओगे ना, पर हर चीज़ का ज़ीरो होता है। ये ट्रैक आज हम ट्रैक कर रहे हैं, अभी ज़ीरो पे थे, टॉप पे ही पहुंच रहे हैं ना, पहुंचेंगे ही। तो दैट्स अ वेरी गुड मूवी, आई लाइक इट। एंड अब ये ट्रैक की बात, यू नो ये बिजली महादेव ट्रैक कहते हैं, तो यहाँ ऊपर एक महादेव का टेम्पल है। अब ऐसी लेजेंड है कि उस टेम्पल के पास थंडर्स बहुत आते हैं, लाइटनिंग बहुत होती है, बिजली लाइटनिंग बहुत होती है। और कहा जाता है कि हर 12 साल में एक बार यहाँ ऐसी लाइटनिंग होती है जिससे उस लाइटनिंग से वहाँ शिवलिंग टूट जाता है, मंदिर का शिवलिंग टूट जाता है। और फिर वहाँ का पुजारी जो प्रिस्ट है वो घी और सत्तू से उस शिवलिंग को वापस जोड़ देता है और वापस शिवलिंग खड़ा हो जाता है और ऐसे चलता रहता है। फिर वापस लग कहते हैं कि 12 साल बाद दूसरी बार लाइटनिंग होती है, तो इसलिए उसका नाम बिजली महादेव पड़ा है ना। विल गो देयर एंड एक्सप्लोर कैसा है क्या है। अभी तो ये मस्त चल रहा है ट्रैक पार्ट, ये आप देख रहे हैं दोनों तरफ सी दिस साइड बड़े बड़े घने देवदार के ट्रीज, इस तरफ भी नीचे देवदार के
ट्रीज, पूरा देवदर के जंगल से बीच से जाता है ये रास्ता। ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट क्या रे कर दो पीन या अच्छी सुविधा की। हाँ तो हम अब रेस्ट करने बैठे हैं और ये देखिए सिमरन के पास एक डॉगी आ गया एंड ये डॉगी फिर हमारे साथ ही चलता आया, तो हमारा दिल कर गया। एक पैकेट टाइगर बिस्किट लाए थे, है तो नाम टाइगर पर हम देंगे इस डॉग को। और थोड़ा सिमरन वहाँ पे धूल धूल है, यहाँ दे दो, ये लो ब्रो इधर, वो कंप्लीट करने की कोशिश करेगा ये। हैं ही इज लाइकिंग इट। हाँ तो आगे बढ़ते गए, ये सिमरन पीछे रह रही है। हाँ सिमरन व्हाट द स्टेटस, स्टेटस क्या है, स्टेटस तो बताओ। 0.96 मतलब 960 मीटर कवर किया है और अभी और बाकी है। विल कीप ऑन गोइंग, सी यू सून। गुड न्यूज़ मिला, हम अभी यहाँ पे बस पहुँचने ही वाले हैं। गेस व्हाट, हमें लगा 3 किलोमीटर वन वे डिस्टेंस है ट्रैक का, पर यहाँ के पता चला इट्स अ टोटल डिस्टेंस। तो 1.5 किलोमीटर जितना हमने ऑलमोस्ट कवर करने को आ रहे हैं अब, और अब कह रहे हैं यहाँ से बस 5-1 मील का रास्ता बाकी है। दिख भी रहा है जैसे कि कोई पहाड़ की पीक पे पहुंच रहे हो ऐसा, तो लेट्स सी वहां जाके कैसा है। ये रहा रूट, वहां जाना है, लेट्स गो। और यहाँ ऊपर पहुंचे तो देखा, देखो ये एक यहाँ तालाब है। अभी थोड़ी देर पहले इस तालाब में एक डॉग मस्त स्नान कर रहा था, काश रिकॉर्ड हो पाता पर चला गया। और पास में ये खुला मैदान, सच अ वाइड ओपन मीडोस। यहाँ ऊपर जा रहे थे तो रास्ते में मैंने ये ब्रेड पकौड़ा देख लिया, तो थोड़ा ब्रेड पकौड़ा खाने का मन किया। काफ़ी यहाँ पे रिजनेबल रेट पे है खाना, 20 का समोसा है, 25 का ब्रेड पकौड़ा है, और कुछ और क्या क्या रखते हैं, मैगी मोमोस राजमा चावल भी। आओ सैंडविच बन गई, मैं दिखाता हूँ, कम कम। या थैंक यू, ये रही सैंडविच पकौड़ा, थैंक यू। हाँ ये हम पहुँच गए फाइनल गेट की ओर, यहाँ से अब बस थोड़ा रास्ता है। दिस इज लाइक द एंट्री टू द मेन टेम्पल।
ये मस्त स्पॉट दिख रहा है यहाँ। अब हम नाश्ता कर सकते हैं, अपने आप में बना हुआ जैसे कि चार बैठने की जगह हो और बीच में कैंप फायर हो ऐसा है। और अब दूर भी नहीं है, थोड़ा नाश्ता पानी करके बाद ये सामने देखो त्रिशूल दिख रहा है, सुन शो द त्रिशूल हो रहा। बस तो यहाँ से नाश्ता करके वहाँ जाएंगे। नाउ इज़ द टाइम टू ओपन द सस्पेंस, क्या था वो मस्त नाश्ता मेड बाय सिमरन। कम आई विल शो यू, कम। हो गया, अब बदलते हैं फाइनली मंदिर। ये रहा वो त्रिशूल जो हम दूर से देख रहे थे ना, कैसा दिख रहा था, ये रहा ऐसा दिख रहा है। और बाय द वे मंदिर कैसा हो उसका मे बी इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखिएगा, मेन इम्पोर्टेंस है ये ट्रैक का, ये ट्रैक मज़ा आया करने में, राइट। ये मे बी छोटा सा हो सकता है अंदर से मंदिर, तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड विद दैट, बट लेट्स गो एंड सी। यहाँ जूते उतार के हम निकल पड़े आगे की ओर। Let's see. Let's reach the entrance. This is the entrance. यहाँ लिखा है जय बिजली महादेव और ये रहा गेट। ये वो रहा टेंपल पीछे, दर्शन कर लिए हमने। अब थोड़ा इस तरफ आगे, यहाँ पे ये मस्त खुला मैदान है, एकदम ग्रीन ग्रीन मिडोज, बैठने में बहुत मज़ा आता है। जहाँ तक देखो वहाँ तक ऐसे हरियाली हरियाली, तो ये उस सॉन्ग जैसा होता है, नहीं है, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। अब यहाँ दिन में चांद तो नहीं आएगा, पर अगर छांव आ जाए और यहाँ लेटने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। आई डू दैट एंड आई रिक्वेस्ट सिमरन टू कम हियर, लेट्स रेस्ट and have some relaxation before we move forward for the descent. यस तो ये थी हमारी ट्रिप बिजली महादेव टेंपल की ओर की, आर ट्रैक 3 किलोमीटर का ट्रैक था ये। अब हम वापस मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट ट्रिप में। नेक्स्ट ट्रिप हम जा रहे हैं यहाँ कुल्लू से नीचे की ओर, आगे आती है एक बहुत खूबसूरत वैली जिसका नाम है जिबी वैली। नेक्स्ट हम जिबी वैली जाएंगे, वहाँ एक दो दिन रुकेंगे, वहाँ पे मज़ा करेंगे। वहाँ पे भी एक ट्रैक है, एक 5 किलोमीटर का ट्रैक, दैट वी विल डू एंड विल ब्रिंग दैट अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है
तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग अस, इट विल हेल्प अस ग्रो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.